अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक ड्राइव मशीन की अनबॉक्सिंग है और ये सब आपके सामने खड़ी हुई है डॉलर्स की एक स्पिनर मशीन। और आज की इस वीडियो में आपको जो डॉलर्स की स्पिनर मशीन है इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, इसको अनबॉक्स करके इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, इसके अलावा इसका मॉडल नंबर वगैरह कम्प्लीट इसकी डिटेल बताऊंगा और कुछ इसकी की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जो वॉशिंग मशीन है ये किस तरह की है और कितने में आती है, अपने प्राइस टैग के हिसाब से ये किस तरह वॉशिंग मशीन है और डॉलर्स की आजकल क्वालिटी किस तरह की जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन शो होंगे जिसमें से ऑल, एक पर्सनलाइज्ड और एक नॉन का ऑप्शन होगा जिसमें से अपने आल को क्लिक करना है, क्योंकि जब आप आल को क्लिक करेंगे तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है बॉक्स पैक, तो आप देख सकते हैं डॉलर्स की इसके ऊपर ब्रांडिंग है और इसके अलावा सिंगल टब स्पिनर मशीन है ये। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर ये जो बैंड स्ट्राइप है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जी इसमें बैंड्स रिमूव हो चुके हैं, तो अब मैं आपको कुछ बॉक्स के ऊपर से पहले स्पेसिफिकेशन दिखा लेता हूँ और बॉक्स की स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद हम इसका बॉक्स जो है वो हम इसे उतारेंगे और इसके बाद हम मशीन देखेंगे कि जो मशीन है वो किस तरह की है। तो चलिए वो हम देखते हैं जो इसका बॉक्स है इसके ऊपर इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस। जी, तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे एक डॉलर्स की ब्रांडिंग है, इसके अलावा लिखा हुआ है सिंगल टब स्पिनर और ये आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं DS6000C इसका मॉडल नंबर है और इसके साथ ही मेंशन है कि ये डॉलर्स की 10 इयर्स मोटर की वारंटी के साथ आती है, मतलब जो इसकी मोटर है उसकी जस्ट 10 इयर्स की वारंटी है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉलर्स यहाँ पे कुछ रिलायबल है, मतलब इस तरह कुछ लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी साइड की बात करें तो इसकी साइड पर भी कुछ इस तरह से ही हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, मतलब डॉलर्स की थोड़ी बहुत ब्रांडिंग मिलती है, ब्रांडिंग आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो उस तरफ भी हमें इसका मॉडल नंबर्स मिलते हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं DS6000C इसका मॉडल नंबर है और इसके अलावा वाइट कलर में आती है और सीरियल नंबर मैंशन है और इसके अलावा नेट वेट इसका 11 kg है और ग्रॉस वेट 14 kg है। तो चलें अब हम इसका जो बॉक्स है मशीन जो है बॉक्स में से निकालते हैं और देखते हैं कि जो मशीन है ये किस तरह की है। जी, तो अब बारी है ये जो इसका बॉक्स है इसको लिफ्ट करने की, तो हम इसका बॉक्स उठाते हैं और देखते हैं कि अंदर से मशीन किस तरह की है। जी, तो हमने इसका जो बॉक्स है वो यहाँ से उतार लिया है और अब ये जो मशीन है ये देखते हैं किस तरह की है। तो इसके ऊपर एक और रैपिंग है। जी, तो अब ये जो मशीन है ये कम्प्लीटली अनबॉक्स हो चुकी है और अब मैं आपको इसको क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मशीन है इसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो मशीन है इसका क्लोजअप व्यू और इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ऊपर जो मैंशन है वो देखते हैं और इसके अलावा इसको मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके क्लोजअप व्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपके सामने मौजूद है ये डॉलर्स की जो सिंगल टब स्पिनर मशीन है इसका बॉक्स और ये आपके सामने जो मशीन हुड है वो भी मौजूद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, ये वाइट कलर में ऊपर से आती है प्लास्टिक में और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है, आप देख सकते हैं DS6000C इसका मॉडल नंबर है और ये आप देख सकते हैं वाटर इनलेट, मतलब यहाँ से हम पाइप लगा के इसमें जो वाटर है वो डाल सकते हैं। और डॉलर्स की ब्रांडिंग के साथ इसका जो मॉडल नंबर है उसके साथ यहाँ पे हमें एक टाइमर मिलता है और आप देख सकते हैं हम इसको वी कैन एडजस्ट इट और ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्लोली स्लोली वापस से आता जाएगा। तो ये है इसका टाइमर, जस्ट हमें एक ही इसमें स्विच मिलता है और इसके साथ यहाँ पे एक दफ़ा फिर मेंशन है कि 10 इयर्स की मोटर वारंटी के साथ आती है मशीन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इसकी ऊपर वाली साइड है ये ब्लैक कलर की हमें प्लास्टिक में मिलती है और ये क्रिस्टल टाइप प्लास्टिक है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ आप देख सकते हैं ये देखें, शायद आपको अंदर से मेरा हाथ नज़र आ रहा हो। तो
आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, आप इसको कह सकते हैं ब्लैक कलर का ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छा है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं और कुछ हमें ये प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है ये भी, और इसके अलावा अंदर हमें ये इसका एक टब मिलता है और टब अब देख सकते हैं इसकी डेप्थ वगैरह। इसकी डेप्थ का मैं आपको आइडिया इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको कि आप देख सकते हैं, मतलब ये जो मेरी कोहनी है तकरीबन उसके बराबर तक इसकी डेप्थ है। और इसके अलावा हमें इसमें इसका ये जो कैप मिलता है, मतलब ये जो ढक्कन है इसका, ये यहाँ पे फिक्स होगा इसके साथ। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है, तो ये एक और है, मतलब जो हम इसमें कपड़े वगैरह डालेंगे तो उसके ऊपर हम पहले ये रखेंगे और जो दूसरा मैंने आपको इसका कैप दिखाया था वो उसके बाद इसके साथ फिक्स होगा। और ये इसके साथ एक स्पेयर पाइप मिलता है, स्पेयर पाइप के बाद ये है यूज़र मैनुअल, ओनर्स मैनुअल आप देख सकते हैं, मॉडल इसका मेंशन है और इसके अलावा डॉलेंस क्विक स्टार्ट गाइड आप इसको कह सकते हैं। और इसके अलावा ये हमें टब ही मिलता है, ओवरऑल टब की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये प्लास्टिक जो है इसमें काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है और डेप्थ आप देख सकते हैं इसकी कितनी सी है। सारा कुछ हम वापस डालते हैं और इसको बाहर से देखते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से जो हम कपड़े इसके अंदर डालेंगे। और इसके अलावा ये जो है जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से ये एक दफ़ा फिक्स हो जाएगा उसके बाद ये जस्ट ऐसे ऐसे हुआ करेगा जिस तरह के ये वर्क करता है जी। तो ये हो गया इसका अंदर वाली तरफ से ओवरव्यू, अब आते हैं इसके फ्रंट साइड पे। और अब आप देख सकते हैं कि ये है इसके फ्रंट साइड और यहाँ पे भी डॉलेंस की ब्रांडिंग है, डॉलेंस लिखा है यहाँ पर भी। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ हेल्पलाइन के बारे में डिटेल है, योर अप्लायंसेस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर है। और यहाँ पे इसके अलावा इनकी ईमेल भी मेंशन है और यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स लिखी हैं, इसकी वेबसाइट के बारे में बताया गया है डॉलेंस पाकिस्तान और इसके अलावा फेसबुक वगैरह के बारे में और सर्विस सेंटर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। और अगर हम जो इसका मेन स्टिकर है उसको देख लें तो यहाँ पर भी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, शॉवर राइंस, और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉवर राइंस लिखा है। इट्स मीन के आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमारी जो कपड़े हैं वो एक दफ़ा वाश ड्रायर हो जाते हैं उसके बाद ये जो ऊपर आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है यहाँ पर हम पाइप लगा के यहाँ से हम पानी जब डालेंगे तो एक दफ़ा इसके अंदर फिर ये कपड़े वेट होंगे, मतलब गीले होंगे, जिससे जो इसके अंदर जो सर्फ वगैरह साबुन वगैरह जो भी होगा डिटर्जेंट हमारा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा जब दोबारा इसको ड्राई करेगा। तो ये चीज़ है इसमें। और वाइड रम मोर कैपेसिटी, मतलब इसकी जो अंदर टब है उसके बारे में बताया कि टब इसका बड़े साइज़ में आता है। और यहाँ पर भी मैंशन है 10 ईयर्स मोटर वारंटी। अच्छा, तो इसके अलावा हम नीचे वाली तरफ अगर देख लें तो नीचे वाली तरफ हमें एक ग्रे शेड में प्लास्टिक मिलता है और ये जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो अगर हम इसके साइड की बात करें तो हमें इस साइड पे अब देख सकते हैं ये इसकी हैंडलिंग के लिए थोड़ी सी स्पेस मिलती है, ये है इसका पाइप और ये जो इसका पाइप है ये इसी तरह से रहेगा और जब हमने पानी निकालना होगा तब इसको हम नीचे कर देंगे। तो ये इसका पाइप है और यहाँ पर हमें कुछ ये लाइनिंग्स मिलती हैं, टेक्स्चर मिलता है, नीचे वाली साइड से बिल्कुल प्लेन है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बैक साइड की तो बैक साइड में हमें ये थोड़ा सा एक ये हैंगर आप इसको कह सकते हैं वायर के लिए मिलता है और ये बाय द वे इस साइड पे भी है। यहाँ पे इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन है, इसकी वायरिंग डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे और इसके अलावा इसका मॉडल नंबर अगेन से यहाँ पर मैंशन है और इसकी पावर इनपुट वगैरह और कैपेसिटर के बारे में, मतलब थोड़ी सी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैंशन है यहाँ पर। और अब नीचे आप देखें तो हमें नीचे जो है यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, मतलब ये जो कैप मिलता है और इसको खोल के हम इसको अगर कोई रिपेयर वगैरह करना चाहे तो वो कर सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक स्पेस मिलती है काफ़ी अच्छे से जो कि
हम जो इसका शू है हम देख सकते हैं, इसका शू भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हम शू जो है उसको जब यूज़ में नहीं होगा तो हम उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है क्योंकि जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे तब वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मशीन यूज़ कर लिया तो नीचे पानी होता है, तो तब हम इसको अच्छे तरीके से हैंग कर सकते हैं इसके जो शू को। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एंडिंग से पहले मैं आपको प्राइस बता दूं, इसकी जो प्राइस है तकरीबन 12,000 के राउंड अबाउट है। और इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, मतलब डिफरेंट आपको शॉप से इसकी डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगी। कोई मे भी आपको कोई 11,000 तक भी मिल जाए, 12,000 तक, और ऐसे ही 11, 12, 13,000 इस राउंड अबाउट इसकी जो प्राइस है मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइसेस में है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका होस्ट रजान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।